अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं हुज़ैफ़ा असगर और आप देख रहे हैं एविएशन टीवी। नाज़रीन, इंटरनेशनल हवाई सफ़र पिछले चंद दहाइयों में तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि इसने कारोबारी अदारों और अफराद के लिए बेमिसाल मौके फराहम किए हैं। अपने उफ़ों को वसअत देने के लिए इसने आज के दौर की कई अहम पहलुओं को भी पेश किया है। दुनिया भर से लोग मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज़ लाखों अफराद हवाई जहाज़ों के ज़रिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करते हैं। इन सब को महफूज रखने के लिए काफ़ी मकदार में कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन और हफाजती प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। ये वो जगह है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, उस जगह का नाम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी इकाओ कहलाता है। इकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से कायम करदा एजेंसी के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे दुनिया भर में कायदे और ज़वाबत को तैयार करने और परवाज़ों के स्टैंडर्ड्स को कायम करने के लिए बनाया गया। ये इदारा इंटरनेशनल फ़जाई नेविगेशन की तरक्की की भी निगरानी करता है और इसके साथ साथ ये हवाबाजी में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए कायम करता है। ये इदारा 1944 में कायम किया गया। इकाओ का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कैनेडा में वाक़ है, जहाँ पर यह इदारा 500 से ज़ायद मुलाजमीन के साथ काम करता है। इकाओ ने हवाबाजी की इंडस्ट्री में फ़जाई सफ़र को महफूज बनाने और फ़रोग देने के लिए अनथक मेहनत की है। इकाओ रेगुलरली इंटरनेशनल एविएशन कॉन्फ्रेंसेस का इनकार करता है ताकि इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को एविएशन इंडस्ट्री में इकट्ठा किया जा सके, जबकि इन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए एविएशन की फील्ड के माहरीन और नुमाइंदों को इकट्ठा किया जाता है ताकि हवाबाजी के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से मुकाबला किया जा सके। ऐसा करने से इकाओ नई पॉलिसीज तैयार करने और इन पर अमल दरामद करने के काबिल हो जाता है, जिसका मकसद हवाई सफ़र को महफूज और मौसर बनाना होता है। इकाओ का एक अहम काम हवाई जहाज़ों के लिए टेक्निकल और ऑपरेशंस के स्टैंडर्ड तैयार करना और इन पर अमल दरामद कराना भी शामिल है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हवाई सफ़र को महफूज और मौसर बनाने में भी अहम किरदार अदा करती है। इकाओ अपनी रेगुलेटरी और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के जरिए इस बात को यकीनी बनाता है कि सफ़र करने वाले मुसाफर अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। दुनिया भर में बढ़ती हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से इकाओ ने दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी के सिस्टम को अपडेट करने पर जोर किया। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, जदीद सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाए ताकि लोग दुनिया भर में महफूज हवाई सफ़र कर सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।